Assalamu alaikum, 10th class. I do hope you will be fine. Today we discuss about the exercise of unit number 6, In Spite of War. This is basically a poem of Angela Morgan. उसकी poem है. आज हमने इसके question answer और जो book activity है वो करनी है. मैं सारी आपको send कर रही हूँ. आपने ये copy पे करनी है लाजमी. और इसके बाद इंशाल्लाह इस वीक में आपका टेस्ट भी होगा. ठीक है, तो टेस्ट के लिए आप तैयार रहें. हम रोज़ाना एक हर वीक में एक चैप्टर का टेस्ट लिया करेंगे. तो ये जो चैप्टर है ये आप लोगों ने आज से इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है. इंशाल्लाह मैं 12 बजे के बाद आपको बताती हूँ कि हमने टेस्ट कब लेना है. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चंस आंसर्स हैं. ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जो है वो आ जाती है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम. इन दिस पोइम द पोएटिस इनकरेजेस अस टू लुक एट द ब्यूटी अराउंड अस रादर देन फोकस ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स. शी सेज दैट इन स्पाइट ऑफ यूजुअल एंड एक्टिविटी In spite of war and other negative things, life continues as usual and the activities of nature continues as if nothing were happening. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है कॉलम बी, जब सेक्शन बी देखते हैं तो वो हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से आपका मैं टेस्ट लूँगी कि क्वेश्चन होगा उसके साथ ऑप्शंस होंगे, आपने उसे टिक मार्क करना होगा जो राइट ऑप्शन होगा. ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास आगे जो है ग्रामर में हम जब देखते हैं तो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज आ जाते हैं. एडजेक्टिव फ्रेज के अंदर क्या है कि एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ अ फ्रेज दैट टेल अस समथिंग अबाउट द नाउन इट इज़ मॉडिफाइंग. द हेड और प्रिंसिपल वर्ड इज एन एडजेक्टिव फ्रेज विल बी एन एडजेक्टिव फॉर एग्जांपल. ठीक है, तो अब वो किस तरह से बता रहे हैं, एग्जाम्पल में शी हैड एक्सट्रीमली कैचिंग आइज. ऑलरेडी हमारे पास जो है एडजेक्टिव फ्रेज इसमें एक्सट्रीमली है, तो जब उसने मॉडिफाई किया तो उसके लिए उसने ऑब्जेक्ट को जाहिर किया. तो जो मॉडिफाइंग फ्रेज है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट को बताया जाता है तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज. राइट, अब इसी तरह से सेकंड ऑप्शन उसने सेकंड जो उसने एग्जांपल दी, द डॉग कवर्ड इन मर्ड इज माइन. अब इसी तरह से द डॉग को और मर्ड को जो है उन्होंने मॉडिफाई किया है. ठीक है, तो इसी तरह से एडजेक्टिव क्लॉज होती हैं. एडजेक्टिव क्लॉज इज़ अ क्लॉज के दैट कंटेन एडजेक्टिव एज अ हेड ऑफ वर्ड. इट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब के जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब यूज़ होता है. इट फंक्शंस एज एन एडजेक्टिव एंड बिगिंस विद रिलेटिव प्रोनाउन लाइक हु, व्होम, हुज, दैट, व्हिच और विद, व्हेन, वेयर एंड व्हाई. दीज आर द एग्जांपल्स. ओके, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज की एग्जांपल्स आ जाती हैं. एडजेक्टिव तो आपको पता है ना कि हमारे पास जो क्वालिटी होती है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं. इसी तरह से अंडरलाइन एडजेक्टिव फ्रेजेस आ जाते हैं, अंडरलाइन हुए हैं. ये सारा कुछ आपने अपनी बुक एक्टिविटी में करना है. इसी तरह से इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिप्लेस द एडजेक्टिव इन बोल्ड लेटर बाय एन एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ सेम मीनिंग द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन. ठीक है, तो आप को ने इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. समझ आ गई. इसी तरह से लास्ट में हमारे पास जो है वो कंबाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेनिंग एन एडजेक्टिव क्लॉज द फर्स्ट वन हैज़ बीन. ठीक है, कि आपने ये इन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है. इसमें जो बुक एक्टिविटीज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं, ये जो अंडरलाइन करने वाले वर्ड्स हैं ये आप लोगों ने अपनी
बुक पे करने हैं, क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक पे करने हैं। ये जो ग्रामर का काम है ये सारा आपका इंग्लिश बी के वर्क में भी आता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लॉज और एडजेक्टिव फ्रेज आपने इंग्लिश बी की कॉपी पे करना है। ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।